मुजफ्फरपुर में रीम ऑन द डांस फ्लोर की फाइनल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बॉलीवुड के जाने माने कोरियोग्राफर धर्मेश सर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर गौरव शर्मा, गुंजन पटेल, निरंजन कुमार, आनंद कुमार, अमन डी ने संयुक्त रूप में दीप प्रज्वलित कर किया। ड्रीम ऑन द डांस फ्लोर की विजेता जीरो डिग्री क्रू रहे, जहाँ उन्हें ट्रॉफी और 50,000 का चेक दिया गया। वही कार्यक्रम के आयोजक अमन डी ने बताया कि इस कार्यक्रम को सभी शहरवासियों ने मिलकर सफल बनाया। देश के विभिन्न जगहों से आए प्रतिभागियों ने अपना प्रदर्शन मुजफ्फरपुर की धरती पर दिखाकर सभी कलाकारों एवं दर्शकों को विभिन्न जगह छिपे हुए नृत्य से जुड़े कलाओं को प्रस्तुत किया। साथ ही उन्होंने सभी मुजफ्फरपुर के प्रख्यात डांसरों को भी आमंत्रण किया, जहां उन्हें धर्मेश्वर के हाथों से सम्मानित करवाया। कार्यक्रम को सफल बनाने में दीपा विक्रम, अंकित एवं कई अन्य सदस्यों ने अहम योगदान दिया। एक्चुअली बहुत अच्छा लगा यार, बहुत प्यारे लोग हैं। एंड जैसे मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही मैं एक इवेंट जाके आया, क्या नाम, 15-17 साल से मैं कर रहा हूँ, बट मुझे पता है कि जहाँ की वाइब बहुत अच्छी है, कहीं कहीं मुझे इतना अच्छा वाइब मिला है, इतना अच्छा ऑडियंस का सपोर्ट मिला है, एंड बहुत प्यारा इवेंट हुआ। उसमें से आज के इवेंट को मैं मेरे उस ग्रुप में डालूंगा जो मैंने 17 साल में, जो मैंने गिन चुन चुन के मैंने कुछ कुछ इवेंट ऐसे रखे, ये बहुत प्यारा इवेंट था 17 साल में, ये बहुत प्यारा इवेंट था। आज का इवेंट वही सेम चीज़ है कि उसको उठा के मैं वही चीज़ में रखूंगा कि आज का इवेंट बहुत प्यारा था और बहुत मजा आ गया एक्चुअली। और सिर्फ मुजफ्फरपुर का या इतने ये सिटी का नहीं, बाहर बाहर से लोग आए थे, महाराष्ट्र से आए थे, कहाँ से लोग आए थे। सो अमेजिंग रहा यार, मजा आ गया एक्चुअली। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस टाइप का होगा, बट कमाल का था यार। और आज तो जो लुक लग रहा था, स्टेज ऊपर उसके ऊपर सूर्य बना हुआ है, चंद्र अभी फुल मून होने वाला है, वो जो गेटअप और जो वाइब लग रहा था ना, वो एक्चुअली लग रहा था कि सब लोग मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं एंड सब लोग मिलकर कुछ इवेंट कर रहे हैं, तो वो चीज का फील। और जितने भी परफॉर्मेंस हुए बहुत कमाल के थे, डुओ था, ग्रुप था, सोलो, सीनियर जूनियर थे, लेकिन जूनियर जो बच्चे थे छोटे छोटे, बाप रे, उन लोग ने तो बहुत कमाल का किया। एंड मैं बोलूँ कि मैं ये नहीं बोलूँगा कौन महाराष्ट्र से है, कौन यहाँ से है, कौन छत्तीसगढ़ से है, कौन कहाँ से है। मैं सिर्फ प्योर डांसिंग का एक भाषा और एक धर्म जानता हूँ, जो कहीं से भी हो। आज ऐसा लगा कि वो फेस्टिवल मनाने बाहर बाहर से सिटी से लोग आए थे और सब लोग ने एक साथ में एक फेस्टिवल मनाया। सो मज़ा आ गया, बहुत कमाल के परफॉर्मेंस थे। एंड अमन के बारे में बोलूंगा कि अमन जो है वो 12 साल से उसने पहला टैटू बनाया था, तब से मैं उसको जानता हूँ एंड कम बात होती है, और क्योंकि मैं मेरी अलग दुनिया में रहता हूँ और काम के उसमें चक्कर में मैं बहुत कम बात कर पाता हूँ, लेकिन उसका सपना था कि सर एक इवेंट करना है एंड आज उसने वो करके दिखाया। आई नो कि उसके बीच में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आए, कि बाढ़ आई जो एंड बहुत सारी प्रॉब्लम आई, बट पूरी टीम ने मिलकर जो किया है वो कमाल का किया है। एंड अनीता मैचिंग सेंटर पाले, मैं खास करके इनको भी बोलूंगा थैंक यू सो मच कि जहां पर इतना सेट लग गया, लाइटिंग लग गई, सब बच्चे बाहर से जो आने थे वो आ गए, बॉम्बे वाले आ गए, कई बाहर बाहर से सब लोग आ गए और बारिश हो गई। बताओ ऐसे टाइम पे मैं खुद हिल जाऊंगा, मेरा इतना बड़ा सेटअप हो मैं खुद हिल जाऊं, बट इन सभी लोग ने सपोर्ट किया, ये इवेंट को बहुत सक्सेसफुल और बहुत प्यारा बनाया। मैं दिल से बोल रहा हूँ, बहुत प्यारा इवेंट था। मैं थका हूं, मैं बहुत थक गया था, मैं नहीं बैठ पाता आजकल, लेकिन एनर्जी जो लास्ट का जो एनर्जी था और जिस तरह से संभाल के रखा ना, वो बहुत प्यारा था। और मैं आप सभी लोगों को बोलूँ कि छठ पूजा हो रही है एंड ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है यहाँ के लिए, यहाँ के लिए नहीं पूरे देश के लिए, मुझे बताए तो। आप सभी को मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, आप सभी को छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं एंड सब लोग अच्छे अपने फैमिली के साथ और अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करो ये चीज एंड खुश रहो, गॉड ब्लेस यू। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा इवेंट रहा, बहुत सक्सेसफुल रहा, सारी चीज़ें अच्छे से हो गई, सारे कंटेस्टेंट अच्छे से चले गए, सभी लोग ने डांस किया, धर्मेश्वर का फीडबैक बहुत अच्छा रहा, शहर का फीडबैक बहुत अच्छा रहा, इससे ज़्यादा खुशी हम लोग को किसी चीज़ की नहीं है। बाकी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मुजफ्फरपुर। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में किन किन लोगों का आपका योगदान रहा? सबसे पहले अनीता मैचिंग सेंटर पाले भैया, कुंजन स्वीट्स पटेल जी, और जो भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं, को स्पॉन्सर्स हैं, सपोर्टेड बाय मेरी टीम मेंबर्स,
मेरी को टीम मेंबर्स सभी लोगों ने मिलकर मेहनत की, और जैसे कि प्रेजेंटर अनिता मैचिंग सेंटर, पावर्ड बाय पटेल स्वीट्स कुंजन जी, एंड हमारे स्पॉन्सर्स को स्पॉन्सर्स एंड सपोर्टेड बाय, एंड हमारे मीडिया पार्टनर्स, सबसे ज़्यादा मेरे ब्लॉगिंग पार्टनर्स, सभी लोगों ने मेहनत की, मेरे टीम पार्टनर्स सभी लोगों ने मेहनत की और इस शो को सुपर हिट रखा। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और आगे हम लोग इस तरीके का कार्यक्रम जारी रखेंगे शहर के लिए। धर्मेश्वराय मुजफ्फरपुर हम लोग के लिए यही बहुत बड़ी बात है, और हम लोगों ने मुजफ्फरपुर के धरती पर ऐसा प्रोग्राम करवाया जो यहाँ पर बाहर बाहर से भी कंटेस्टेंट्स आए और अपना परफॉर्मेंस दिए, बहुत अच्छा लगा इवेंट को करवा के, और आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा इवेंट करवाते रहें। शहर के युवाओं को आप इस तरह से मौका देते हैं कि डांस कंपटीशन या जो भी, आप इस तरह से आगे भी करते रहेंगे? जी, डांस के लिए इसलिए मैं आगे आता हूँ कि मेरा भी पहले शौक था डांस करने का, जो मेरा पूरा नहीं हो सका, लेकिन मेरा पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ आगे के जनरेशन के बच्चों का ये शौक पूरा हो। क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय निरंजन कुमार पाले, अनीता मैचिंग सेंटर। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार, नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल, एक्रेडिटेड बाय IAO एंड अफिलियटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, लिस्टेड इन WHO।